अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग, यू आर वॉचिंग प्राइम टाइम विद नीलम नवाब। नाजरीन, आज दिन भर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आने वाले कल के फैसले पर मुल्की सियासत में बहस जारी रही, मुख्तलिफ तबके फिक्र की आरा सामने आती रही। कुछ ने इस फैसले को सराहा तो कुछ ने इस फैसले को कानूनी पहलुओं पर इस फैसले के सवालात उठाए। परवेज मुशर्रफ केस का डिटेल्ड वर्डिक्ट अब कल 12 बजे जो है वो जारी होगा। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हम देखते हैं कि कल चीफ जस्टिस की जो सहाफियों से होने वाली एक गैर रस्मी गुफ्तगू के हवाले से जो स्टेटमेंट सामने आई थी उस पर तर्दीद की गई है और एक एलामिया जो है वो इशू किया गया है, जिसमें कहा गया है, जिन स्टेटमेंट्स में कहा गया था वो ये थी कि परवेज मुशर्रफ के का केस बड़ा वाजे था, अगर जल्दी ना करते तो मामला कई साल तक चलता रहता और ताखीरी हरबों के बावजूद मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। ये वो स्टेटमेंट्स थी जो कि मीडिया ने कल रिपोर्ट की थी और इन स्टेटमेंट्स की आज तर्दीद आती है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। साथ साथ हम देखते हैं नाजरीन के आज वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत जो है वो तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इंतहाई अहम सेशन जो है वो बुलाया जाता है और जिसमें जो अहम फैसले थे हकूमती नुक्ता नजर उन पर वाजे किया गया। और उसके अलावा हमने देखा कि जो चीफ इलेक्शन की अपॉइंटमेंट थी इस मामले को लेकर, फिर आर्मी चीफ की जो मुद्दत मुलाजमत के हवाले से जो एक्सटेंशन के मामलात हैं वो भी अंडर डिस्कशन लाया गया, परवेज मुशर्रफ के फैसले के हवाले से भी बात की गई और फिर अभी कुछ देर पहले फिरदौस आशिक आवान साहिबा ने जो है वो प्रेसर अपनी मुकम्मल की है और जिसमें उन्होंने कहा है कि अशोर करवाया जाएगा कि इस केस में भी इंसाफ जो है वो मुहैया किया जाए। साथ साथ हमने देखा कि वजीर आजम इमरान खान के समिट में, कोलालंपुर समिट में शिरकत ना करने की जो वजूहात हैं वो भी बयान जो है होती हुई नजर आई। इसके अलावा हम देखते हैं कि आज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जो है वो SSG हेडक्वार्टर्स का दौरा करते हैं और आर्मी कमांडो से बात करते हुए वो कहते हैं कि तमाम मुल्क दुश्मन कुव्वतों को नाकाम करते हुए मुल्क में इस्तेहकाम लाए हैं, किसी कीमत पर मुल्की इस्तेहकाम को खराब नहीं होने देंगे, ये कहा गया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जानिब से। साथ साथ बिलावल भुट्टो ने आज राय बिंड जलसे में बड़ी जारहाना तकरीर की है और उसमें वो कहते हुए नजर आए कि अवाम को अब फैसला करना होगा कि उन्हें जमहूरी आजाद मुल्क चाहिए या कठपुतली के गुलाम बनना चाहते हैं। और पीपल्स पार्टी को अगर देखा जाए तो वो सियासी महाज पर रिसेंटली बड़े सरगर्म जो है नजर आना शुरू हो गए हैं, आसिफ जरदारी, उसके बाद खुर्शीद शाह इनकी रिहाई के बाद और फिर फरियाल तालपुर की रिहाई के बाद भी हकूमत के खिलाफ जारहाना बयानात में किसी किस्म की कमी आती हुई नजर नहीं आ रही है। जबकि दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून को अगर देखा जाए तो उनकी सफों में मोस्टली खामोशी नजर आ रही है, मरियम औरंगजेब के अलावा या एहसन इकबाल साहब के अलावा कोई बोल्ड स्टेटमेंट्स कोई और जो लीडरशिप है उनकी जानिब से नहीं आ रही। साथ साथ आज मरियम नवाज का नाम ECL से निकालने के मुतालिक जो बयानिया उनका जो था उस हवाले से कैबिनेट में जो है जो सब कमेटी है उसका सेशन होता है जिसमें रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज जो है उनके नाम ना निकालने पर जो है इत्तेफाक किया गया है, इत्तलात ऐसी आ रही हैं नैब की जानिब से जो प्रेशर है। और फिर जो नून लीग के तारण है उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि नैब ने मरियम नवाज का नाम ECL से निकालने की मुखालफत कर दी है। हम इस तमाम सूरत हाल का जायजा लेंगे अपने आज के शो में, बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड विद आवर शो हियर लेट मी इंट्रोड्यूस आवर ऑनरेबल पैनल। हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं जनाब नदीम कुरैशी साहब, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, उनके साथ तशरीफ फरमा है जनाब राना अरशद साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है। हमें लिंक टेलीफोन लिंक पर ज्वाइन कर रही हैं जनाब डॉक्टर शाजिया सोमरो साहिबा, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद मोहम्मद साहब, लाहौर स्टूडियो से सीनियर एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। जैसे कि आपने देखा कि कल का दिन, इवन के उससे जो पहले दिन था वो भी हमारे लिए बड़ा जो है हैपनिंग रहा, फिर कल का बड़ा हैपनिंग रहा है, परवेज मुशर्रफ साहब के खिलाफ जो फैसला है वो हमारे सामने है, आज पूरा दिन बहस होती रही है इसी फैसले के हवाले से और अब जो आने वाला कल है वो हम देखेंगे कि डिटेल्ड वर्डिक्ट जो है इस फैसले के हवाले से हमारे सामने होगी। लेकिन अगर हम अपनी क्वेश्चनिंग की शुरुआत कर लें, अगर आप हमें इजाजत दें, हमारे साथ डॉक्टर शाजिया सोमरो साहिबा मौजूद,
ہیں اس وقت, ہم ان سے شروعات کر لیتے ہیں. ڈاکٹر شازیہ سومرو صاحبہ, یہ کل چیف جسٹس کے حوالے سے ہم دیکھتے تھے کہ خبریں میڈیا پر گردش کرنا شروع ہو گئی تھیں, جس میں چیف جسٹس کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ انہوں نے جرنلسٹ سے غیر رسمی گفتگو کی, جس میں انہوں نے یہ کہا کہ مشرف کیس میں کئی مواقع پر لالچ دیا گیا, اہم عہدوں کی پیشکش بھی کی گئی, اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ پرویز مشرف کیس میں اگر جلدی نہ کرتے تو یہ معاملہ کئی سال تک چلتا رہتا, اور یہ بھی کہا گیا کہ تاخیری حربوں کے باوجود معاملے کو منطقی انجام تک پہنچایا. اب آج ہم دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی جانب سے ریبٹل آتا ہے, اور جو ان کی جانب سے اعلامیہ جاری ہوا ہے اس میں ان تمام سٹیٹمنٹس کی تردید کر دی گئی ہے. تو یہ معاملہ آخر ہے کیا؟ ایسی خبریں فرسٹ آف آل تو آئی کیوں, اور پھر اگر آئیں اور غلط تھیں تو پھر سپریم کورٹ کو اعلامیہ ایشو کرنے کی کیوں نوبت پیش آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, تھینک یو فار انویٹیشن. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چیزیں دیکھیں نا, یہ تو کلیریفیکیشن آج آ چکی ہے کہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس نہیں دی گئی تھیں, اور اگر دی گئی تھیں تو وہ کسی اور طرح سے دی گئی تھیں, جن کو پیش جو کیا گیا ہے وہ توڑ موڑ کے پیش کیا گیا ہے. تو یہ کلیریفیکیشن اگر آ چکی ہے تو پھر اس پہ مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کہ اس پہ بات کرنا. اب وہ سپریم کورٹ کے, کیونکہ میں اس چیز کے لیے تو زیادہ نہیں جانتی کہ کیا سچ ہے کیا نہیں ہے, لیکن جو چیز انہوں نے کلیئر کر دی ہے تو آئی تھنک کہ پھر اس کو ہی ہم نے فالو کرنا ہے. لیکن جو ڈیسیجن آیا ہے پہلے ہی 5 سے 6 سال وہ پہلے ہی لنگر آن ہوا ہے. اگر ایک ڈیسیجن آیا ہے, ہسٹوریکل ڈیسیجن آیا ہے, اس پہ ریئیکشن آنا تو بنتا تھا. لیکن اب دیکھیں کتنے اور چیزیں ہیں جن پہ ڈیسیجن آنے ہیں, دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے آتے ہیں. اور میرے خیال میں یہ بہت ہائی پروفائل کیسز ہیں جن پہ ڈیسیجن آ رہے ہیں, تو لیٹس سی کہ کیا حالات ہوتے ہیں. ہم یہاں پر رانا ارشد صاحب آپ کی جانب آئیں گے, اور یہی سوال کہ کیا یہ جو سپریم کورٹ کا اعلامیہ ہے تردید کر رہا ہے ان تمام سٹیٹمنٹس کی, آؤٹ آف کانٹیکٹس کہہ رہا ہے, اس کی ضرورت تھی؟ صحیح آ گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نیلم نواب صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور آپ نے اپنے انٹرو میں بڑی فہم و فراست کے ساتھ پوائنٹ ریز کیے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنریبل چیف جسٹس کھوسا صاحب کے نام سے جو بیانات منسوب کیے گئے اور اس میں جو سیاق و سباق سے ہٹ کر بیان اگر نشر ہوئے ہیں تو اس کی کلیریفیکیشن سپریم کورٹ کی طرف سے آ گئی ہے, اور آفٹر کلیریفیکیشن میرا خیال یہ ہے کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہو جانی چاہیے, اور تھوڑا سا جو بیانات تھے ان کو ہمیں تھوڑا سا محسوس کرنا چاہیے تھا کہ اس وقت ان کو دائیں بائیں سے ان کی اینگلنگ کر کے ان کے مطلب اور چیزوں کو ریز کرنے کی میرا خیال ضرورت نہیں تھی, اور یہ اچھا ہوا ہے کہ کلیریفیکیشن آ گئی. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جو فیصلہ کل آیا ہے وہ 2013 سے لے کر 2019 تک جیسے جیسے اس کی ہسٹری ہے, اور 3 نومبر 2007 کا جو واقعہ ہے وہ سب کے سامنے ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں عدالت عالیہ نے اسپیشل کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے انہوں نے قانون کے مطابق کیا ہے, اور اگر اس میں کوئی چیز کی کمی یا خامی محسوس کی جا رہی ہے تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ آل پاکستان مسلم لیگ کے سربراہ مشرف صاحب یا ان کی پارٹی کا حق ہے کہ وہ اس کو اپیلیٹ کورٹ میں لے جا سکتے ہیں. ڈاکٹر شازیہ سومرو صاحبہ, ڈاکٹر شازیہ سومرو صاحبہ, اگر ہم کل ہی کے فیصلے کو جو ہے اگر زیر بحث لے آئیں تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمام جو سیکٹرز تھے موسٹلی, ہم نے دیکھا کہ پاک افواج کا بھی رد عمل آتا ہے, وہ بڑا اسٹرن ہوتا ہے, وہ بڑا کلیئر کٹ کہتے ہیں کہ پاک افواج میں اس فیصلے پر شدید غم و غصہ اور اضطراب جو ہے وہ پایا جا رہا ہے. پھر جو مشرف کے, پرویز مشرف صاحب کے لائرز آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس فیصلے, یہ فیصلہ عجلت میں کیا گیا, اس میں جو فنڈامنٹل رائٹ آف ڈیفنس ہے وہ نہیں دیا گیا اکیوزڈ کو. پھر ایبسنشیا پر بھی سوالات اٹھائے گئے ہیں, تو اس میں
बड़े लकूनास कहा जा रहा है कि लीगल लकूनास है, लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हुई हैं, और यही बात पाक अफवाज की जानिब से भी कही जा रही है, यही बात उनके लॉयर्स भी कह रहे हैं, और यही बात हुकूमत पाकिस्तान भी कह रही है। तो ये यहाँ पर फिर इस फैसले की अब कल डिटेल्ड वर्डिक्ट है, आपके ख्याल में कितना इफेक्टिव होगा ये फैसला आगे जाकर? लेकिन नीलम, सबसे पहली बात तो ये है कि जब डिटेल डिसीजन हमारे सामने आएगा तो तभी इस पे कोई बात हो सकती है, क्योंकि डिटेल डिसीजन कल आना है, तो उस पे जब वो आ जाएगा तो अकॉर्डिंगली बात होगी। लेकिन देखिए, ये मेरे ख्याल में काफी टाइम जो है वो मुशर्रफ साहब को बुलाया गया था हियरिंग के लिए, लेकिन नहीं आए, और मेरे ख्याल में उनके लॉयर्स यहीं पे ही थे, तो ये चीजें उन्होंने तब क्यों नहीं पॉइंट आउट की थी? ये डिसीजन आने के बाद जो चीजें अभी पॉइंट आउट हो रही हैं, ये पहले क्यों नहीं हुई थी, या डिस्कशन क्यों नहीं हुए थे इस पे, या ये चीजें अगर ऐसी थी, सीरियस थी, या आपको लगता था कि उनका होना जरूरी है, तो आप ये पहले ये चीजें वहां पे बयान करते ना अदालत में, ये सारी चीजें डिस्कस हो सकती थी। ये डिसीजन आने के बाद क्यों हो रही है, और अभी डिटेल डिसीजन कल आना है, तो मेरे ख्याल में बेहतर डिस्कशन जो है वो कल डिसीजन के बाद ही हो सकती है, कि उसमें क्या जो ये पॉइंट रेज किए जा रहे हैं उनको डिस्कस नहीं किया गया है, या उनके ऊपर कोई बात नहीं हुई है, क्या रीजन है कि ये लोग अब ये पॉइंट रेज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ऑब्वियसली अगर ये तो हर एक का फंडामेंटल राइट है कि अगर मुतमईन नहीं है तो वो जो है इस चीज को हाईलाइट कर सकते हैं किसी भी वक्त, लेकिन यहाँ पर अगर नदीम कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया हो तो हम हुकूमती वक्फ भी सामने लेना चाहेंगे, क्योंकि आज जो शेख रशीद साहब ने बयान दिया है वो एक तकरीब से खिताब में कह रहे हैं कि मैं हालात बिगड़ते देख रहा हूँ, फौज का इतना सख्त बयान आते कभी नहीं देखा, इस फैसले से फासला बढ़ेगा। तो अब ये किन के दरमियान फासला बढ़ने की बात हो रही है? Let's listen to him exactly what he said and then we will get back to our discussion here. इस मुल्क को लूटा, जिन लोगों ने इस मुल्क को नोचा, जिन लोगों ने इस मुल्क में अपना सब कुछ इस कौम ने जो दिया उसे तबाह बर्बाद किया, उनको तो कोई पूछने वाला नहीं। और जिस शख्स ने सियाचीन में और कारगिल में अपनी आज़ादी के और फतेह के झंडे गाड़े, उसको गद्दार करार दिया जाए, तो मैं ये समझता हूँ इस फैसले से फासला बढ़ेगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में फौज की तरफ से ऐसा सख्त बयान कभी ना देखा, ना सुना, ना पढ़ा, जो कल जारी हुआ है, और ये हमारे लिए फ़िक्र का लम्हा है। पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, तलखियाँ ख़त्म करनी हैं, और तलखियाँ ख़त्म कब होंगी? तलखियां खत्म तब होंगी अगर हम अपनी छोटी छोटी इख्तलाफात को खत्म कर दें। जी, जैसा कि आपने अभी बड़ा क्लियर वो बात सुनी है शेख रशीद साहब की, राना अरशद साहब आपकी जानिब आएंगे। अब ये जो कल का फैसला हमारे सामने है, उसके बाद यही कहा जा रहा है कि इदारों में शायद कशीदगी या सेंसिटिविटी या कशीदगी जो है वो बढ़ेगी। अगर ये कल के फैसले से कशीदगी बढ़ती है तो फिर इसे नॉर्मल कौन करेगा? ऑब्वियसली हुकूमत का रोल है नॉर्मल करना। क्या आपको लगता है कि हुकूमत इन इदारों के दरमियान एक सैनिटी जो है वो प्रिवेल होती हुई नजर आएगी, हुकूमत कर पाएगी इसे? मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि हुकूमत की नलायकियों की वजह से ये दो तीन इशू जो हैं ये मीडिया की ज्यादा जीनत और सोशल मीडिया की तरफ चला गया है। जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन थी या नई अपॉइंटमेंट थी, तो आपने देखा कैसे गलत समरी मूव होती रही है। फरोग नसीम साहब जो हैं वो परवेज मुशरफ साहब के वकील थे, और जब परवेज मुशरफ साहब इलाज के लिए आउट ऑफ कंट्री जा रहे थे तो फरोग नसीम साहब ही उनके बैरिस्टर ला को डील कर रहे थे। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब का 19 अगस्त को नोटिफिकेशन करना, खुद सिग्नेचर करना, सोशल मीडिया पे आना, और ये जो केस है इसकी मदई स्टेट थी, और स्टेट अगर हुकूमत पाकिस्तान समझती थी जैसे उन्होंने प्रोसिक्यूटर को डी नोटिफाई किया था तो वो केस के मतलब भी कोई फैसला कर सकते थे या उसकी टाइमिंग को देख सकते थे। इस पर तो बार बार कोर्ट बुला रही थी, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान और इनके वकला, इनकी लीगल टीम जो थी, ये उसकी नलायकी थी। अब जो फैसला आया, मैं समझता हूं कि परवेज मुशर्रफ साहब के का ये हक है कि वो एपलेट कोर्ट में उसको चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन शेख रशीद साहब जो हैं वो बिल्कुल जो बात होती है जो मावनत करने वाले जो सहूलतकार थे उसमें तो बिल्कुल शेख रशीद साहब का नाम भी आएगा,
चौधरी फवाद साहब का भी नाम आएगा और उसके साथ साथ फरूख नसीम साहब होंगे या आज की भी वफाकी कैबिनेट में कुछ लोग होंगे, तो ये अब कोर्ट को देखना है और गवर्नमेंट को, स्टेट को देखना है कि इसमें जो मुशर्रफ साहब हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट कितनी थी, उनकी टीम की कितनी थी। अगर वो कह रहे हैं कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट इन्वॉल्व थी, तो बिल्कुल मेरा ख्याल है इसको एपलेट कोर्ट में चैलेंज करना उनका राइट है। लेकिन शेख रशीद साहब जो हैं वो ज्यादा फॉरवर्ड चलते हैं। इसमें परवेज मुशर्रफ साहब को सिंगल आउट किया गया है, शख्सी बुनियाद पर जो अदालती कार्रवाई की गई है। ये ऐसा भी कहना था डॉक्टर शाजिया सोमरो साहिबा, जो पाक अफवाज का रद्देबल आया उसमें भी उन्होंने कहा कि इस केस की जो अदालती कार्रवाई हुई है वो शख्सी बुनियादों पर हुई है, और यही उनके वकला का भी कहना है। लेकिन शख्सी बुनियाद पर एक शख्स को सिंगल आउट करके उसको गद्दार कह देना, उसको सजाए मौत भी दे देना, जबकि जो उसके एडर्स और अबेडर्स हैं वो जूं के तू आराम से फिर रहे हैं, तो ये तो फिर वाकई में शख्सी बुनियाद पर और उनको टारगेट करके ही क्या ये फैसला या कार्रवाई की गई है फिर? जी नीलम, मेरे ख्याल में ये सारी प्रॉब्लम जो आई है वो मुझे लगता है कि जो वीक प्रोसिक्यूशन है उसकी वजह से हुई है। अगर स्ट्रॉन्ग प्रोसिक्यूशन होती तो मेरे ख्याल में कि कोर्ट को या जस्टिस साहिबान को ये प्रॉब्लम नहीं होती कोई भी डिसीजन लेने में। जहाँ पे कोई भी अगर टारगेट आप लोग कह रहे हैं कि टारगेट किया गया है, तो मुझे ये समझ में आ रही है कि बाकी लोगों को क्यों नहीं सामने लाया गया, या जब हेयरिंग चल रही थी और ये मेरे ख्याल में 4-5 ईयर्स से ये केस लिंगर ऑन था, तो ये सारी चीजें तब क्यों नहीं स्टेप बाय स्टेप क्लियर की गई थी। और जहां तक शेख रशीद साहब के बयान का ताल्लुक है, तो मेरे ख्याल में जो उनका ये स्टेटमेंट है कि जिन्होंने मुल्क को लूटा, देखिए जो जिसके लिए वो कह रहे हैं, हम अपनी कयादत के लिए कहें कि वो भी अभी तक इन केसेस को फेस कर रहे हैं। और जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने तो इन झूठे केसेस पे 11 साल जेल काटी थी, तो हमने तो इस तरह से रोना नहीं रोया, हमने तो ये नहीं कहा कि ये गलत डिसीजन है, और फिर उन्हीं के केसेस पे उनको बाइज्जत बरी किया गया। तो हमने तो हर दफा जो भी डिसीजन आया है हमने तो एहतराम किया है। तो ये चीजें देखिए, अब इस चीज को डबल स्टैंडर्ड किया जा रहा है कि जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं उनके लिए अलग कानून है, जो लो प्रोफाइल हैं उनके लिए अलग कानून है। जब कानून एक के सबके लिए एक है, तो फिर मेरे ख्याल में आईन की जो आईन शिकनी करेगा उसका मेरे ख्याल में यही एक सजा है। तो अब देखते हैं क्या होता है। ऑलराइट, लेकिन हमें यहाँ पर नदीम कुरैशी साहब, हुकूमत का हम पर्सपेक्टिव लेंगे। आज की जो मेजर डेवलपमेंट बनती है वो कल चीफ जस्टिस के हवाले से जो स्टेटमेंट्स प्रिवेल की गई, मीडिया पर रिपोर्ट्स की गई, उसके हवाले से जो इलामिया आया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, जिसमें कि तरदीद कर दी गई है उन तमाम स्टेटमेंट्स की, जिसमें कि जो स्टेटमेंट्स आई थी सामने उसमें कहा गया था कि चीफ जस्टिस साहब ने अपनी जर्नलिस्ट से एक गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान कहा कि मुशर्रफ केस में कई मौके ऐसे आए कि उन्हें लालच दिया गया, अहम ओहदों की पेशकश भी हुई, और फिर ये भी उन्होंने कहा चीफ जस्टिस ने कि परवेज मुशर्रफ केस में जल्दी ना करते तो ये मामला कई साल तक चलता रहना था, और ये भी कहा कि आखिरी हरबों के बावजूद मामले को आखिरी अंजाम तक जो है हमने पहुंचाया है। आज सुप्रीम कोर्ट इसकी तर्दीद कर रहा है, इस पर हुकूमत का क्या मौकफ है, हुकूमत का क्या पर्सपेक्टिव है इस एलामिये पर जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं समझता हूं अगर चीफ जस्टिस साहब की तरफ से ये एलामिया आ गया और पूरी कौम ने सुना तो सब लोगों को फिर इसको तस्लीम करना चाहिए। होता यही है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि हर बात की बाल के पर की तरह से उसकी तहें खोली जाएं और चीज़ों को मुतनाज़ा बनाया जाए। मैं समझता हूं कि कल से जो पूरे मुल्क में एक माहौल बना हुआ है, सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें है कि आम आदमी की विश क्या है। देखिए, पाकिस्तान में हमेशा से पाकिस्तान फौज के साथ लोगों की मोहब्बतें लाजवाल रही हैं। आप किसी आम पाकिस्तानी से पूछें, कम पढ़े लिखे शख्स से पूछें, किसी बड़े पढ़े लिखे शख्स से पूछें, हाँ एक तबका जरूर है जिनको अपने ऊपर एक दानिश्वर होने का उनको उनकी ख्वाहिश है कि उन्हें दानिश्वर समझा जाए, और वो ये क्लेम भी करते हैं, और वो ड्राइंग रूम में बैठ के बाल की खाल उतारने से लेकर और सारे पोस्टमार्टम करते हैं। लेकिन मैं समझता हूं पाकिस्तान का आम आदमी कल बड़ा फिक्रमंद हुआ है
कि जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान की मुसल्ला अफवाज के सरबराह रहे हैं और पाकिस्तान की मुसल्ला अफवाज पर पाकिस्तानी अवाम का कोई कंप्रोमाइज नहीं है उनके स्टेक पर किसी सूरत भी। और मैं ये समझता हूं हमें सबको अदालती फैसलों का बहरहाल एहतराम करना है। हमने पाकिस्तानी पाकिस्तान में वो ये जो मुआशरा माजी में चलता रहा, अभी मेरी बहन फरमा रही थी कि हमने तो बड़ा एहतराम किया, तो इनकी यादाश्त के लिए कि वो जस्टिस मुश्ताक जो जुल्फकार अली भुट्टो मरहूम की उस फांसी देने वाली बेंच का हिस्सा थे, तो जब उनका जनाजा तदफीन के लिए लाया गया तो वहां शहद की मक्खियों को छोड़ने वाला वाकया पूरी दुनिया को पता है। हमने हमेशा यही किया है कि जिन फैसलों में हमें अपनी बेहतरी नजर आती है हमने उन फैसलों को टेकअप किया है। आज मैं सोशल मीडिया पे बहुत सारे पाकिस्तान के उन लीडर्स को सुन रहा हूं, रजा रब्बानी साहब बड़ी बड़ी बबांगे दौल गुफ्तगू फरमा रहे हैं, मुझे अफसोस उस वक्त होता है कि ये उन लोगों के लिए इंसाफ क्यों नहीं मांगते जिन्होंने पाकिस्तान से अरबा डॉलर पाकिस्तान का बैरून मुल्क मुंतकिल करके इस मुल्क को 70 साल से जकड़ा हुआ सूद के निजाम में। ये लोग उन उस आम आदमी के इंसाफ के लिए तलबगार क्यों नहीं होते जो आज भी साफ पानी से महरूम है। देखिए पाकिस्तान की स्पेशल ज्योग्राफिकल सूरत हाल है, पाकिस्तान के भी प्रिवेल कर रहा है। कल से जब से ये नदीम कुरैशी साहब आपका व्यू आ गया, हम दोबारा आएंगे आपकी जानिब, एक और पर्सपेक्टिव भी प्रिवेल कर रहा है। और जैसा कि हमने देखा आज बयान दिया जाता है चौधरी शुजात साहब की जानिब से जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा हैं, वो कहते हैं कि मुशर्रफ को सजा से सरहद पर खड़े हर सिपाही को दुख हुआ है और इस फौजी पर क्या बीतेगी जिसके सिपा सालार को गद्दार कहा जा रहा है, हमें सिपाहियों के जज्बात की भी तश्वीश होनी चाहिए। तो अब ये सेंटिमेंट भी पाया जा रहा है इस फैसले के आने के बाद कि जो पाक अफवाज है या जो हमारे फौजी हैं, हमारे जो सिपाही हैं जो अपने जान की कुर्बानी पेश करने को हाजिर हैं हमारे दिफा के लिए, मुल्क के दिफा के लिए, उनके सामने ये फैसला जो है ये किस तरह से वो इसको अब्सॉर्ब करेंगे? देखिए ये एक तो इसका कानूनी और आईनी पहलू है इस केस का, और एक पहलू इसका यह है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। अभी मैं आपको 1997 तक लेके जाता हूं जब जनजहांगीर करामत साहब ने इस्तीफा दिया था। उन्होंने खुद अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया था, उनकी हुकूमत के साथ कुछ इख्तलाफात हो गए थे और उन्होंने एक बड़ा ऑनरेबल तरीका इख्तियार किया कि उन्होंने रिजाइन कर दिया, और वो भी चंद महीने पहले अपने टेन्योर से। लेकिन उसका फौज में बड़ा ही मोराल के ऊपर एक असर हुआ, मैं उस वक्त हाजिर सर्विस था और कोर कमांडर्स को ऑफिसर्स के साथ बातचीत करनी पड़ी कि किस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और बातचीत करनी पड़ी है। अभी ये आप एक स्टेप आगे चले गए, बल्कि 10 स्टेप आगे चले गए हैं। एक आर्मी चीफ को गद्दार डिक्लेयर किया जाता है, अभी जो यंग ऑफिसर है या जो रैंक एंड फाइल है उनको ये पेचीदगियों का नहीं पता है कि ये आर्टिकल 6 क्या चीज है या 18th अमेंडमेंट के बाद ये ट्रीजन बन गया है, उससे पहले ट्रीजन था या नहीं था उसके ऊपर शक है। लेकिन वो ये सोचते हैं कि जिस आदमी को वो सलूट मारते थे, जो आर्मी चीफ था, चेयरमैन जॉइंट चीफ था, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान था, जिसके एक हुक्म के ऊपर वो अपनी जान खतरे में डाल के वो मुहिम पे जाते थे, वो एकदम जो है एक गद्दार हो गया है, तो इसका बड़ा ही मनफी असर पड़ेगा रैंक एंड फाइल के ऊपर, उनके मोराल के ऊपर, के एकदम उनका सिपा सालार जो अभी 10 साल पहले या 8 साल पहले था वो एकदम जो है वो गद्दार बन गया है। दूसरी बात यह है कि हमारे इस पूरे खत्ते में बड़े दुश्मन हैं, वो इसका क्या एक मनफी पहलू उसका सामने लेके आएंगे और हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करेंगे कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ्स जो हैं वो गद्दार होते हैं अपने मुल्क के। इस तरह सारी दुनिया में हम क्या पैगाम अपना दे रहे हैं कि जो हमारे सदर मुमलिकत थे वो गद्दार हो गए हैं? तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल उन्होंने इसके ऊपर सही बात की है और मैं उनसे मुत्तफिक हूँ। पाकिस्तान में बड़े मसाइल हैं पहले से, हमें ये मुर्दे नहीं उखाड़ने चाहिए, इनको बायगॉन्स को बायगॉन्स करें, आगे की तरफ चले। परवेज मुशर्रफ साहब को गए हुए 2008 में गए हैं, अभी 2019 से अब 13 साल हो गए हैं, मेरे ख्याल में हमें आगे चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम अगर ऑपोजिशन का पर्सपेक्टिव लें इस पर, लेकिन यहाँ पर अगर हम ऑपोजिशन का, डॉक्टर शाजिया सोमरो साहब, अब ये एक पर्सपेक्टिव ये भी प्रिवेल कर रहा है कल इस फैसले के आने के बाद कि मुल्क का जो सिपा सालार रहा हो, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट रहा हो, उसको आप गद्दार आज करार दे रहे हैं, तो जाहिर बात है कि फिर जो पाक अफवाज के फौजी हैं, सिपाही हैं हमारे, उनको किस हद तक दुख हुआ होगा जो कि सरहद पर खड़े हुए हैं? उस फौजी पर आखिर क्या बीतेगी कि जिसको पता चला कि उसका सिपा सालार ही गद्दार निकला है, उसको गद्दार कहा जा रहा है? फिर ऑब्वियसली सिपाहियों के जज्बात जो है, क्या वो मजरूह नहीं हुए हैं? क्या उसकी हमें तश्वीश नहीं होनी चाहिए?
देखिए नीलम, सबसे पहले तो जो कुरैशी साहब अभी फरमा रहे थे कि उनको भुट्टो साहब वाली हिस्ट्री तो याद है, लेकिन अभी अपने जो इनके लीडर हैं पीएम जो नियाजी साहब हैं, उनकी स्टेटमेंट याद नहीं है कि उन्होंने जनरल मुशर्रफ के लिए क्या क्या खिताबात दिए गए थे, किस तरह से उन्होंने पिछली गवर्नमेंट को सलाम पेश किया था कि उन्होंने इनको भगोड़ा बोला था। तो ये स्टेटमेंट उनको पहले याद होनी चाहिए। उनको शहद की मक्खियां तो याद हैं, लेकिन ये शायद इनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है कि पिछली गवर्नमेंट की चीजों में जो इनके स्टेटमेंट थे वो उनके खुद वो भूल गए। जब नेशनल टीवी पर बैठ के इमरान खान ने बैठ के जनरल मुशर्रफ को गद्दार बोला था, आर्टिकल 6 की डिमांड की थी, तब इनकी स्टेटमेंट कहाँ थी? तब इन्होंने क्यों नहीं सोचा था कि ये चीजें जो हैं पूरी दुनिया में दिखाई जाती हैं और पूरी दुनिया में इनका क्या मैसेज जाएगा? जब इनको नहीं पता चलता, जब पार्लियामेंट में बैठ के ये उल्टी सीधी बातें करते हैं, इनके वुजरा जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दूसरों को गलत बोलते हैं, तब इनको नहीं पता चलता कि ये नेशनल टीवी पर बैठ के किस तरह की बात कर रहे हैं और किस तरह के मैसेजेस ये कन्वे कर रहे हैं और क्या इमेज जो है वो जाएगा। और कितनी दफा इन्होंने अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेके बातें की हैं, अभी जो एक समिट में ये नहीं गए हैं प्राइम मिनिस्टर, उसके लिए क्या इन्होंने ऑन बोर्ड लिया था? हम उस पर भी डिस्कशन को लेकर आएंगे, ऑन बोर्ड लेके काम किया है, हम रिस्पांस लेंगे आपकी इन रिजर्वेशंस का हुकूमत से। लेकिन मुझे अगर आपका रिस्पांस आप मुझे दे दें, जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने टेबल किया है कि जिस सेंटिमेंट की हमने बात की है जो कि पाक अफवाज में अब प्रिवेल करेगा इस फैसले के आने के बाद कि वो सिपाही वो सोल्जर जो कि सरहद पर खड़ा है वो अपनी जान और माल की परवाह किए बगैर हमारी हिफाजत कर रहा है, अपने मुल्क के लिए वो हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार है, वो उसको मालूम होता है कि उसके सिपा सालार को गद्दार कहा जा रहा है पूरे मुल्क में, तो उसका मोराल जो है वो कहाँ जाएगा, कि उसके जज्बात क्या होंगे? क्या आपके ख्याल में हमें उसकी तश्वीश नहीं होनी चाहिए? ये चीज के लिए अगर आप ये देखेंगे, जब जुल्फकार अली भुट्टो साहब को फांसी दी गई थी तब भी इतने बड़े जो एक शॉकिंग स्टेट थी माइंड था, उसमें भी हमने अपने आर्मी के लिए कभी इस तरह से नहीं किया। जो माशाल्लाह का दौर गुजरा या जो जितना भी मुश्किल दौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए गुजरा था, कभी भी अपने इदारों के खिलाफ इस तरह से नहीं बोला है। और ये सेंटिमेंट ये सिर्फ एक उस इदारे के लिए नहीं है या अपनी पाक फौज के लिए नहीं है, ये हम सब पाकिस्तानियों की वो सेंटिमेंट है कि अगर एक जो हमें सिक्योरिटी दे रहे हैं उनको अगर दुख पहुंचा है तो ये सबके लिए दुख है। लेकिन ये डिसीजन हमारा नहीं है, ये किसी पॉलिटिशियन का नहीं डिसीजन है, ये सबसे बड़े इदारे का डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। तो अगर देखा जाए तो उसमें हम लोगों फिर ये इतने सुप्रीम कोर्ट और एक इंतहाई एहतराम जिसके लिए है हमारे लिए हमारे पास उस इदारे का डिसीजन तो है, लेकिन उसमें फिर कुछ जो आपको फैक्ट्स नजर आते हैं जैसे कि अक्टूबर 1999 में जबकि कू किया गया था जिसको कि बड़ी आइन शिकनी कहा जा रहा है, उसको इग्नोर कर देता है हमारा जुडिशियल सिस्टम, और फिर वो 2007 नवंबर की इमरजेंसी को जो है वो हाई ट्रीजन करार दे देते हैं, उसमें वो जो उन्हें गद्दार करार दे देते हैं। तो यहाँ पर क्या आपको लगता है कि ये जिस तरह से जिस मैटर को जिस पर क्या कहना चाहिए पर्सपेक्टिव को लेकर इस केस को चलाया गया है, क्या वहीं पर कुछ सेलेक्टिव आपको नजर नहीं आ रहा कि सेलेक्टिव जस्टिस जो है वहीं से शुरू हो रहा है? इस बात और फिर तमाम तो जो उनके एडर्स और एबेटर्स थे उनकी बजाय सिर्फ उनको सिंगल आउट कर दिया गया? जी नहीं, देखिए नीलम, यहाँ पे बहुत टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं और आई एम नॉट दैट टेक्निकल पर्सन, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जो पिछले टाइम पे जो डिसीजन आए थे उनमें आप देखें बहुत सारे कंट्रोवर्शियल डिसीजन हैं, लेकिन उनको हम लोग बैठ के कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी मैंने जैसे पहले भी कहा था कि डिसीजन जो है फाइनल डिसीजन कल आएगा, तो उससे ही हमें आइडिया हो सकता है कि किस तरह की पॉइंट्स हैं जो मिसिंग हैं और क्यों इस तरह से डिसीजन आया है। ये तो कल जो डिटेल डिसीजन आएगा उस पर ही पता चलना है, लेकिन देखा जाए तो दुख तो तब भी हमें हुआ था जब एक सिक्योर जो सबसे ज्यादा सिक्योर जॉब थी इस मुल्क की आर्मी चीफ की, वो इस गवर्नमेंट ने आते ही इनसिक्योर कर दी और एक अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन क्रिएट कर दी है कि वो बेचारे अब 6 महीने उनकी वो काउंट होंगे या नहीं होंगे, उनको आगे एक्सटेंशन मिलनी है नहीं मिलनी है,
यहाँ तक कि उन्होंने उनके लिए कोई एक जो एक्सटेंशन का लेटर था वो तक सही नहीं ड्राफ्ट किया, तो इस गवर्नमेंट के लिए तो हम कुछ नहीं कह सकते। बाकी जो है डिसीजन कल डिटेल में आ जाएगा तो फिर हमें पता चल जाएगा। लेकिन फिर ठीक, लेकिन ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद मोहम्मद साहब, अब ये सवालात आज इसीलिए उठ रहे हैं कि जो कल आने वाला डिटेल वर्डिक्ट है परवेज मुशर्रफ साहब के हवाले से, उसमें क्या क्लैरिटी आएगी इन इन एस्पेक्ट्स पर जो कि कल से उठाए जा रहे हैं? एक तो कहा जा रहा है कि सेलेक्टिव जस्टिस हुआ है इस वर्डिक्ट में, सेकेंड कहा जा रहा है कि उनको फंडामेंटल राइट ऑफ डिफेंस नहीं दिया गया, थर्ड कहा जा रहा है कि एब्सेंशिया में जो है इसको सेंटेंस को सुनाया गया है, तो ये जो लीगल लकुनास कहे जा रहे हैं कि इस वर्डिक्ट को लेकर इससे मौजूद है, कल डिटेल वर्डिक्ट क्या क्लैरिटी दे सकेगा इन एस्पेक्ट्स पर? देखिए देना तो चाहिए, मतलब है कि जो सवाल हमारे जहन में आ रहे हैं तो उनकी क्लैरिटी जो है वो डिटेल जजमेंट में आनी चाहिए और हमें एक डायरेक्शन मिलनी चाहिए कि क्या है। लेकिन उसे कतई नजर, मतलब है कि अगर आप इस केस को देखें तो ये परवेज मुशर्रफ साहब जो एमरजेंसी प्लस लगी थी नवंबर 2017 में, गालिबन 3 नवंबर को, वो उसमें परवेज मुशर्रफ अकेले नहीं थे, उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस उसमें शामिल है, उस वक्त की जो वजीर कानून है वो शामिल हैं बीच में, जो बाद में चीफ जस्टिस आए डोगर साहब उनका भी बीच में है। तो जितने भी ये लोग इसमें मुलविस थे फिर इन सारों के ऊपर केस बनना चाहिए था। ये ऐसे लगता है कि जैसे सेलेक्टिव है, एक आदमी को जाती जो है दुश्मनी की वजह से या जाती जो है उनकी नापसंदीदगी की वजह से इनके ऊपर जो है केस डाला गया, बाकी किसी के ऊपर जो है उनका जिक्र तक वो नहीं है। दूसरी बात यह है कि एक ऐसा केस ट्रीजन का, हाई ट्रीजन का, जिसमें अल्टीमेट जो सजा है वो मौत हो सकती है, उसमें इस तरह एब्सेंशिया में और बगैर उसके सुने हुए जो एक्यूज्ड है उसमें आप इस किस्म का डिसीशन देते हैं। अभी आप, मैं आपको इसहाक डार साहब का केस है, वो एब्सकॉन्डर हैं लेकिन उनका केस नहीं चल रहा है। इस तरह नवाज शरीफ साहब के जो साहिबजादे हैं वो एब्सकॉन्डर हैं तो उनके खिलाफ भी केस जो है वो नहीं चल रहा है। तो जब तक मुशर्रफ साहब, एब्सेंशिया इज द मेन की देयर, तो जब तक मतलब परवेज मुशर्रफ साहब ने तो कहा कि कमीशन भेज दे, मैं अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए तैयार हूं, तो स्टेटमेंट वो कमीशन भेज देने चाहिए था। जो उनको वो नहायत रील है, वो अस्पताल में एडमिट है और उनको ऐसी बीमारी है कि जो बहुत ही खतरनाक है, उनकी सेहत ठीक नहीं है। पाकिस्तान के बहुत मसाइल हैं, इनको आगे मतलब है कि पसे पुश डालें, आगे चलें, इससे क्या पाकिस्तान को फायदा होगा? मेरे ख्याल में पाकिस्तान में आइंदा फौजी मुदाखलत या वो जो है मुझे नजर नहीं आ रही है कि इस किस्म की होगी। हमारी जो जमहूरियत है वो मुस्तहकम हो गई है, मैच्योर हो गई है, और मेरे ख्याल में अभी तो आगे जो है तो ये भी पर्सपेक्टिव बनता है यहाँ पर ब्रिगेडियर रिटायर्ड साहब के। फिर ये ब्रिगेडियर रिटायर्ड साहब, एक और जो फिर पर्सपेक्टिव बनता है इस फैसले को लेकर, फिर ये फैसला सही आया, इसने जो है आइंदा आने वाले एनी फ्यूचर कूज और एनी कहना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल वायोलेशंस को जो है रोक दिया है, उसके सामने एक बंद बांध दिया है, उसका रास्ता जो है वो रोक दिया, तो फिर ये परसेप्शन भी ठीक है, ये पर्सपेक्टिव भी ठीक है? नहीं, मेरे ख्याल में देखें ये जो इस किस्म की है, क्या सजाए मौत ने अभी तक मर्डर्स को बंद कर दिया है? मतलब है कि जिसने करना होता है वो करेगा, ये इसमें से कोई वो नहीं है कि आपने एक आदमी को सजाए मौत दे दी तो आपने आगे सब कुछ रोक दिया है। ये जैसे 302 का केस अगर किसी ऊपर बनता है उसका अल्टीमेट जो है सजा जो है वो मौत हो सकती है और उसको फांसी लग सकती है, लेकिन क्या वो जो दुश्मनी रखते हैं या जो इस किस्म के काम में मुलविज होते हैं क्या वो रुक जाते हैं? तो मेरे ख्याल में ये ऐसा नहीं है कि हमने केस इसके लिए चलाया है कि ताकि आइंदा जो है। नीलम साहब आप प्लीज मेरा पॉइंट ले लें। जी राना अर्शद साहब, हम आपकी जानिब आएंगे, लेकिन यहाँ पर अब जो पर्सपेक्टिव सामने आ रहा है सेलेक्टिव जस्टिस की जो है बड़ी गूंज हम सुनते रहे हैं कल से अब तक, राना अर्शद साहब आप ही रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा इस पर कि जो सेलेक्टिव जस्टिस की बात कल से हम सुन रहे हैं और कई मौकों पर कहा जा रहा है कि ये एस्पेक्ट अप्लाई हो सकता है इस फैसले में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो शौकत अजीज साहब और जो अब्दुल हमीद डोगर साहब हैं उनको शरीक मुलजिम क्यों नहीं ठहराया गया, ये सवाल भी उठाया गया है मुशर्रफ साहब के लॉयर्स की जानिब से। सेकंड जो दो इंसिडेंट्स होते हैं 1999 अक्टूबर को इग्नोर करके पिक किया जाता है 2007 को, और फिर 2010 में 18th अमेंडमेंट में जो सस्पेंशन है उसको आप बना देते हैं हाई ट्रीजन, उसका जो रिस्पॉन्स है या जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज है उसको हाई ट्रीजन में शामिल कर देते हैं। तो क्या वाकई में ये फ्रेम किया गया है सिर्फ परवेज मुशर्रफ साहब जो है उनको टारगेट करना मकसूद था? नहीं, मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूं कि सिलेक्टिव जस्टिस की बात आपने की, एक इंटरनेशनल
पनामा ऑफशोर कंपनियों का ड्रामा आया था, 456 लोग थे, सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज़ का ही केस टेकअप हुआ, बाकी केस आज तक टेकअप नहीं हुए। उसके बाद मैं समझता हूं यह बात बिल्कुल ठीक है। आज हमारी बाउंड्रीज एलओसी हो या मैं समझता हूं कि आज कश्मीर जो इशू है, अफवाज पाकिस्तान के बहादुर बेटे जब 17 जून 2014 को ज़र्ब अज़ब का आगाज हुआ था और मियां नवाज़ साहब ने कौमी असेंबली में स्पीच की थी और फिर आर्मी के बहादुर अफवाज पाकिस्तान के बेटों ने दिन रात एक किया और पाकिस्तान के अंदर पुरअमन हालात पैदा हुए, इसके लिए 75,000 कुर्बानियां हुई, तकरीबन 10,000 के करीब आर्मी के नौजवानों ने शहादतें ली। आज पाकिस्तान के हालात जो पुरअमन हैं तो इसमें तो गवर्नमेंट की जो नलायकी है उसको देखना है कि वो नोटिफिकेशन करते हुए क्या करते हैं, और इस इशू में अगर वो प्रोसिक्यूशन को डी नोटिफाई करते हैं तो सीरियसली इस केस को उनको टेकअप करना चाहिए था। और जो जो सहूलतकार थे, अगर फवाद चौधरी साहब हैं, अगर शेख रशीद साहब हैं, अगर आशिक फरदोस अवान साहबा हैं या कोई और भी हैं, तो ये बड़ी जायज बात है कि जो जो प्राइम मिनिस्टर शौकत अजीज साहब थे या जो ब्रिगेडियर साहब ने बात की कि जस्टिस डोगर साहब जो थे, बिल्कुल जो सब लोग मावनत करते रहे हैं या वो शामिल थे तो उनको उनके नाम शामिल होने चाहिए थे। अब मैं सर अर्ज ये करूंगा कि ये परवेज मुशरफ साहब और उनके वकला के पास ये राइट है कि वो एपलेट कोर्ट में इसको चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि हकूमती वुजरा के जो बयानात हैं उनको चाहिए कि इश्यूज को टेकअप करें, मामलात को सुलझाएं, मामलात को उलझाने की जरूरत नहीं है। नदीम कुरैशी साहब, ठीक है, हम मूविंग ऑन, एक तो आप एड्रेस कर दीजिएगा जो रिजर्वेशन शो की गई यहाँ पर हमारे पैनलिस्ट की जानिब से। दूसरा, आज आर्मी चीफ जो है उन्होंने एसएसजी जो कोर हेडक्वार्टर्स है उनका दौरा किया, जहां पर उन्होंने आर्मी कमांडो से बात करते हुए कह रहे हैं, उन्होंने खिताब कर उन्होंने कहा कि तमाम मुल्क दुश्मन कुव्वतों को नाकाम करते हुए मुल्क में इस्तेहकाम लाए हैं, हम किसी कीमत पर मुल्की इस्तेहकाम को खराब नहीं होने देंगे। तो अब ये आर्मी चीफ जाकर जो है बड़ा एक ठोस अंदाज में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी जानिब हुकूमत की अगर बात कर ले तो तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी है उसका भी आज हंगामी इजलास किया जाता है, उसमें परवेज मुशरफ साहब के इस फैसले पर हकूमती फैसला जो है वो वाजे किया गया है और उन्होंने कहा है कि आइन के मुताबिक इंसाफ की फराहमी करवाई जाएगी। इसके अलावा आर्मी चीफ की जो मुद्दत मुलाजमत में एक्सटेंशन का मामला था और चीफ इलेक्शन कमीशन कमिश्नर की जो अपॉइंटमेंट्स है उसके जो अहम मामला थे उस पर बैठक होती है। तो अब ये बताइएगा कि हकूमत के लिए मौजूदा हालात में इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा है? ये तो तमाम ही चैलेंजेस जो हैं ये अहम चैलेंजेस लग रहे हैं, तो आपके ख्याल में हकूमत क्या किस तरह से टैकल करेगी, क्या तदब्बुर का मुजाहरा अख्तियार करेगी इन मामलात को हैंडल करने में, या आप लोग भी हमें एक बहुत जज्बाती मोड में अग्रेसिव मोड में नजर आएंगे आते हुए? देखिए, हकूमत के लिए सबसे अहम तरीन चीज पाकिस्तान का इस्तेहकाम है। अगर पाकिस्तान मुस्तहकम है तो ये सारे मामला आगे चलेंगे। कहने का बुनियादी मकसद यह है कि हमें सिर्फ ये जरूर देखना है, और हुकूमती वुज़रा ने पिछले कल से आज तक इस फैसले के बाद बड़े मुदल्लल अंदाज में और बड़े मुदब्बर अंदाज में इसको टेकअप किया है, और गवर्नमेंट की पॉलिसी बयान की, हमने किसी जगह कोई जज्बाती मुजाहरा नहीं किया। हम आज भी ये समझते हैं, मैंने पहले भी अर्ज की, मैं दोबारा फिर आपका अर्ज कर रहा हूँ, ना सिर्फ पाकिस्तान के मुसल्ला फौज के वो जवान जो सरहदों पर अपनी जानें हथेली पर रखकर दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान में मौजूद हर पाकिस्तानी उसकी पाक अफवाज के साथ जाती मोहब्बतें हैं, जज्बाती वाबस्तगी है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ को गद्दार करार देना और फिर इस पर एक पूरा माहौल क्रिएट करना और फिर इस मखसूस टाइम का इंतखाब करना कि जिन दिनों में कश्मीरी अपनी जद्दोजहद के आखिरी मराहल में 140 दिन से ज्यादा कश्मीरियों को कैद किया गया है, फिर इंडिया में जो हालात बनाए जा रहे हैं जिस तरह से वहां मुस्लिम कुछ पॉलिसियां आ रही हैं, इस सारी चीजों को अगर तनाजुर में इकट्ठा किया जाए तो मैं समझता हूं जनरल मुशर्रफ साहब के खिलाफ यह केस भी किसी प्लान का हिस्सा था। लेकिन बहरहाल, चूंकि पाकिस्तान ने अगर आगे बढ़ना है तो हमें माजी के इन चोंचड़ों से जान छुड़ानी होगी। हमने ये नहीं करना कि उस शख्स के लिए वो इंसाफ, अगर मेरी मर्जी का आएगा तो मैं मानूंगा और मेरी मर्जी का आएगा तो नहीं मानूंगा। पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने हर सूरत डेमोक्रेसी को मजबूत करना है। कल हमारी नजर रहेगी डिटेल वर्डिक्ट पर,
मूविंग ऑन, ठीक, यहाँ पर डॉक्टर शाजिया सोमरो साहिबा आपकी जानिब आएंगे। हम देखते हैं कि आज बिलावल भुट्टो ने रायगढ़ में जब जलसे से खिताब किया है तो उसमें उन्होंने कहा है कि अब अवाम को फैसला करना होगा कि जमहूरी मुल्क चाहिए या कठपुतली के गुलाम बनना चाहिए। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि 2018 का इलेक्शन आखिरी सिलेक्शन था, हम 27 दिसंबर को दोबारा पिंडी आ रहे हैं जहाँ आपने भुट्टो और बेनजीर को शहीद किया था। तो हम पहले आपको एग्जैक्टली सुनवा देंगे व्हाट डिड ही से टुडे, फिर हम बात करेंगे कि ये अग्रेसिव टोन्स क्यों देखने में आ रही हैं बिलावल भुट्टो की जानिब से। हालिया फैसले किए जा रहे हैं जिसको हम वेलकम भी करते हैं। एक जमहूरी फैसला से जमहूरियत नहीं आता। जब तक मुसलसल जमहूरी फैसले आएंगे, जब तक हर फैसला जमहूरियत के हक में नहीं होगा, तब तक जमहूरियत इस मुल्क में नहीं होगा। उम्मीद रखते हैं कि ये सिर्फ शुरुआत है और अब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो कत्ल केस में इंसाफ मिलेगा। 12 मई के कराची के शोदा को इंसाफ मिलेगा। अकबर भुक्ति साहब के साथ हुआ था उस पे इंसाफ मिलेगा। कारगिल पे इंसाफ मिलेगा। बहुत से ऐसे केसेस हैं जिसमें अब हम उम्मीद रखते हैं कि जमहूरी फैसले आएंगे। मलेशिया में कॉन्फ्रेंस रखते हो जहां तुर्की का एर्दोगान भी होगा, हातर मोहम्मद भी होगा, एन वक्त में अपना ट्रिप को कैंसिल करवाते हो। वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में कश्मीर का बात हो रहा है मगर पाकिस्तान का कोई नुमाइंदा नहीं होगा फोन कॉल पे पाकिस्तान की। डॉक्टर शाजिया साहिबा, ये आखिर इतना अग्रेसिव मोड क्यों अपनाते हुए नजर आ रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब? और फिर वो ये भी कह रहे हैं कि बहुत से मामलात में जमहूरी फैसले आते हुए नजर आएंगे, ये किसको मुखातिब करके आज का पैगाम दिया गया है? देखिए नीलम, सबसे ज्यादा जो ये मैसेज है वो इस इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट के लिए है। देखिए, जो आते ही साथ आपके पास इतना सारा टाइम था और आप मैंडेट लेके आए थे, आपने अपने पैरामीटर खुद बनाए थे कि 100 डेज में हम ये चीजें कर लेंगे, हम 1 करोड़ नौकरियां दे देंगे, 50 लाख घर दे देंगे। आपने अब तक अपने उन स्टेटमेंट को फॉलो नहीं किया, आप अभी तक कंटेनर से नहीं उतरे, आपको वो सारी चीजें इम्प्लीमेंट, आप तो कहते हैं कि हमने 22 साल जदोजहद की, तो 22 साल में आपको पता चल टीम कहाँ है जो इतने उल्टे सीधे काम कर रही है। ये मैसेज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने स्ट्रेट फॉरवर्ड इस गवर्नमेंट को दिया है जो इस चीज। लेकिन डॉक्टर शाजिया साहिबा वो कह रहे हैं कि 27 दिसंबर को हम पिंडी आ रहे हैं जहां पे आपने भुट्टो और बेनजीर को शहीद किया था। अब बेनजीर साहिबा की असैसिनेशन के बाद तो आसिफ जरदारी साहब खुद रहे थे, इक्तदार उन्हीं का रहा था 5 साल तक, तो ये केस तो उनके जमाने में ही रिजॉल्व हो जाना चाहिए था, आपको इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए थी। लेकिन मूविंग ऑन, यहाँ पर हमारे पास टाइम बड़ा कम रह गया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद मोहम्मद साहब, आपसे मालूम करेंगे बिलावल भुट्टो की ये आज का जो खिताब है रायविंड में और ये जो उन्होंने इशारा दिया है कि हम पिंडी आ रहे हैं 27 दिसंबर को जहाँ पर भुट्टो और बेनजीर को शहीद किया गया था, तो इसमें इसको किस तरह से देखा जाए? ऐसी ही धमकियां देते हुए हमें मौलाना फजलुर रहमान भी नजर आए थे और अब बिलावल भुट्टो जो है वो पिंडी आ रहे हैं। देखें, ये सियासी जदोजहद है, ये उनका मेरे ख्याल में आईनी हक भी है, ये कानून भी उनको इजाजत देता है कि वो जलसे वगैरह करें। बेनजीर भुट्टो साहिबा यहाँ पर शहीद हुई थी 27 दिसंबर को लियाकत बाग में और वो वहां पर जलसा करना चाहते हैं तो बिल्कुल बिस्मिल्लाह आके करें, ये उनका जमहूरी हक है और हमें इससे नहीं डरना चाहिए। अपोजिशन का काम ही यही है कि हुकूमत को डिस्क्रेडिट करें, उनके ऊपर जो है उनके जो पॉलिसीज हैं उनके ऊपर तनकीद करें, और जब तक ये जमहूरी चौकाट के अंदर रहे उसमें मतलब है कि कोई गैर जमहूरी हरबे इस्तेमाल ना करें। जो एक और अहम मामला जो है आज सारा दिन अंडर डिस्कशन रहता है वो वजीर आजम के दौरे मलेशिया ना जाने पर जो है वो बहस होती रही है, बहुत सी बातें सामने आई हैं। बिलावल भुट्टो भी आज कहते हैं, उन्होंने भी इस मामले को लेकर बात की है कि क्या हमें किसी के दबाव को कबूल करते हुए ये दौरा कैंसिल करना चाहिए था, इससे पाकिस्तान को कितना नुकसान हो सकता है, ये अब सवाल उठाया जा रहा है। मैं समझता हूं, आप अगर जल्द से जल्द इसको एड्रेस कर दें। मैं समझता हूं कि ये विजिट जो है ये कैंसिल नहीं होना चाहिए था और ये सऊदी अरब का भी जो दौरा था ये भी अचानक हुआ, जो जो उन्होंने हमारे पास
چند ڈالر پیسے رکھے تھے اس کو لون میں کنورٹ کرنا، یہ حکومت کی پریشانی اور بے چینی خود پیدا کی ہوئی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے اپنا دورہ کینسل کیا اور کہا گیا کہ شاہ محمود قریشی صاحب جائیں گے، اس کے بعد ان کو بھی کینسل کر دیا گیا۔ وہاں بیٹھ کر مہاتیر محمد صاحب اور طیب اردگان صاحب جو ہیں، ہم بیٹھ کر کشمیر ایشو کو مزید ٹیک اپ کر سکتے تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری پریشانیاں جو ہیں یہ حکومت نے پیدا کی ہے۔ رانا ارشد صاحب، ندیم قریشی صاحب، بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد محمد صاحب اور ڈاکٹر شازیہ سومرو صاحبہ، آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ناظرین، وزیر اعظم کے دورہ ملائیشیا کینسل ہونے سے کافی سوالات اٹھ رہے ہیں، اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کیا ہماری فورن پالیسی، ہماری خارجہ پالیسی جو ہے وہ آزاد نہیں ہے، ہم آخر کیوں آزاد فیصلے نہیں کر سکتے؟ آج کے لیے اتنا ہی، سی یو آل ٹمارو نائٹ، انٹل دین اپنا اور اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ اینڈ گڈ نائٹ۔